हिंदी फिल्मों में कई सितारों ने दर्शकों के दिल पर राज किया, लेकिन एक ऐसा सितारा जिन्होंने भारतीय सिनेमा में हास्य अभिनेता के रूप में अलग पहचान बनाई, वो थे चरित्र अभिनेता ओम प्रकाश। बड़े बैनर और अधिक स्टार वाली फिल्मों में ओम प्रकाश की कॉमेडी का अभिनय बहुत फैलाव वाला और सटीक था। यही कारण रहा कि फिल्मों में स्टार हीरोज के आगे उनकी चरित्र भूमिकाएं हमेशा दूसरों से भारी रही। आज कीर्ति शेष में बात करेंगे लेजेंडरी एक्टर ओम प्रकाश की। हिंदी फिल्मों के चरित्र और हास्य अभिनेता रहे ओम प्रकाश का जन्म 19 दिसंबर 1919 को लाहौर में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लाहौर में हुई। कला में रुचि अधिक होने के चलते इन्होंने 12 वर्ष की आयु में शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और 1937 में ऑल इंडिया रेडियो सिलोन में 25 रुपए वेतन पर नौकरी की, जहाँ रेडियो पर उनका फतेह दिन कार्यक्रम दर्शकों ने बहुत पसंद किया। ओम प्रकाश ने फिल्म इंडस्ट्रीज में दया फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें पहले ब्रेक के लिए उन्हें उस समय केवल 80 रुपए का भुगतान दिया गया, लेकिन फिल्म ने उन्हें नई पहचान दिलाई, जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्रीज ही उनकी आय का जरिया बनी और इसके बाद उन्होंने मूक फिल्म शरीफ बदमाश में भूमिका निभाई। धमकी और आए बाहर में उन्होंने अपने अच्छे काम का अनुसरण किया। देश विभाजन के बाद हास्य अभिनेता ओम प्रकाश दिल्ली और फिर मुंबई आ गए, जहां बलदेव राज चोपड़ा ने उनकी प्रतिभा पर ध्यान दिया और उन्हें अपना पहला ब्रेक लखपति नामक फिल्म में खलनायक के रूप में मिला। इसके बाद उन्होंने लाहौर, 4 दिन और रात की रानी जैसी फिल्मों में अहम भूमिका निभाई, जिसके बाद उन्होंने दिलीप कुमार, राज कपूर के साथ सरगम और मिस मेरी, बहार, पहली झलक, आशा और मनमोजी में किशोर कुमार के साथ काम करने का मौका मिला और स्टार अभिनेता दिलीप कुमार, किशोर कुमार और देव आनंद की फिल्मों में भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। फिल्म हावड़ा ब्रिज और 10 लाख में बेहतर एक्टिंग के लिए उन्होंने अपना पहला बड़ा पुरस्कार जीता। ओम प्रकाश ने फिल्मों में दुनियादारी निभाई थी। इसके ठीक विपरीत अंतिम दिनों में ओम प्रकाश ने अपने साक्षात्कार में कहा था, सभी साथी एक एक करके चले गए। अभिनेता ओम प्रकाश 21 फरवरी 1998 को इस दुनिया से हम सबको हंसाते हुए विदा हो गए। आज फिल्मों में उनकी विरासत मिमिक्री में निकाली जाने वाली कुछ आवाजों और उनके अभिनय को कॉमेडी तक ही सीमित कर दिया गया। जब उनका अभिनय बहुत फैलाव वाला और सटीक था, स्टार हीरोज के आगे ओम प्रकाश के चरित्र भूमिकाएं सबसे भारी रहती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 TV, जयपुर।